भाई कुछ लोगों को फ्री में रोटी सेकने में बहुत मजा आता है। जी हाँ, एक है ऐसा लाइव में आके पक पका रहा है, अभी फिर से आके खेसारी लाल जी को गाली दे रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संतोष रानू यादव की। आखिर ये बंदा किस प्रकृति का है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब भी कुछ भी खेसारी लाल जी के ऊपर होता है, ये आके गाली देने लगता है। ये क्या चाहता है बंदा मुझे पता नहीं। बोलता है कि पंकज से माफी मांगो। अरे पंकज से माफी मांगो, क्यों माफी मांगे भाई? किस बात के लिए माफी मांगे भाई? किसी की बेटी माँ बहन पे गाना गाओगे तो छोड़ देंगे। और तुम लोग जो कुत्ते की तरह मुंह फाड़ रहे हो कि खेसारी लाल जी ने गाया है, मैं मानता हूँ खेसारी लाल जी ने गाया है। कोई कंप्लेन आया है क्या? किसी ने कंप्लेन किया है? किसी ने FIR किया है? एक बार दिखा दो कि हाँ इस गाने पे FIR हुआ है। खेसारी लाल जी से मैं बोलूंगा कि भैया आप मत गाइए, एक बार दिखा दो। आप लोग बिना मतलब के तीर का तार कर रहे हो। वो गाना मैटर कुछ और था, कजली बदल गई रे, एक कॉमेडी मैटर था, कजली बदल गई रे। उसके बाद और भी जो गाना था ये सब एक कॉमेडी मैटर था, उसको गाया गया था। किसी की माँ बहन का फोटो लगा के तो गाना नहीं गाया गया था, मतलब सिखा रहे हो आप लोग। और मैं मानता हूँ खेसारी लाल जी ने गाया है, तो किसी ने कंप्लेन दिखा दो ना भाई। किसी ने कंप्लेन किया है, FIR किया है कि ये गाना गलत है, ये गाना मेरी बेटी पे गाया है, दिखा दो FIR एक बार, FIR कॉपी दिखा दो। आप लोग तीर का तार कर रहे हो, तीर का तार कर रहे हो, समझ गए ना? बहुत लोग गाते हैं कि सजनिया बदल गई रे, सजनवा बदल गई रे। तो जितने सजनवा है सबको गुस्सा आ जाएगा, जितने सजनिया है सबको गुस्सा आ जाएगा। ये तो बस तीर का तार करना हुआ कि बस खाली बस कैसे भी मैटर में खेसारी लाल को पीसो। देखो यार, एक बात याद रखना, जो भी हो किसी की माँ बहन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी हो, दुश्मन की भी माँ बहन को लेकर गाना गाओगे ना, हम लोग तब भी सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। और खेसारी लाल जी से मैं बोलूंगा कि अगर आप इस टाइप का गाना गाए भी है तो बिल्कुल आपसे मत जाइएगा, क्योंकि छोड़िए हटाइए, आप ऐसे ही हिट है महाराज, क्या दरकार है फालतू, छोड़िए सब गाने को, गाना गा दीजिए, उसी में आप ट्रेंडिंग स्टार ही कहलाएंगे। और एक बात याद रखना, जो भी तीर का तार कर रहे हो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा खेसारी लाल जी की तरफ से। अब वो खेसारी लाल नहीं रहे कि जब भी बोल गाली दे दोगे तो मुंह बढ़ा देंगे कि थप्पड़ मार दो मेरे मुंह पर, ऐसा नहीं है बाबू। अब समझ लेना अब क्या होगा, अब एक के साथ हुआ है ना, अब वो गणेश दीवाना को भी खोज रहे हैं लोग, उसको भी बना के भाई छोड़ेंगे नहीं को, याद रखना, बना के उसको भी थूरेंगे। अभी गणेश दीवाना को खोज रहे हैं, बहुत जल्दी उसको भी लाइव लेके आते हैं, रुक जाओ। औकात में रहो, औकात में रहो, औकात मत भूलो आप लोग, औकात मत भूलो। गाली देने से कोई महान नहीं कहलाता है। तू गाली देके क्या सोचता है कि बहुत आगे निकल जाएगा? दम है तो कुछ अच्छा काम कर भाई, दम है तो कुछ अच्छा काम कर, किसी के लिए मदद कर। गाली देकर नीचा दिखा के कितना दूर आगे जाएगा? अब बार बार तेरा यही काम है, हमेशा ही लाइव आके गाली देना, क्या मतलब बनता है यार? अजीब अजीब टाइप का तू आदमी है, अजीब टाइप का है। मेरे को समझ भी नहीं आता कि तेरे दिमाग में चलता क्या है। कभी पवन सिंह को गरियाता है, कभी पवन सिंह को अच्छा बोलता है, कभी खेसारी को गरियाता है, कभी गाली देता है, कभी अच्छा बोलता है, अभी चलता क्या दिमाग में भाई? अजीब हाल है भाई तू तेरा। भाई ये सब लोग को आप लोग देखा ही मत करो, आप लोग सपोर्ट करते हो बोल के ये लोग गाली देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट में बताओ कि इसके साथ क्या करना चाहिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।